हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये मेरा इस यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो है। और इस यूट्यूब चैनल पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में टेक्निकल वर्क करता है, किस तरह से फंडामेंटल वर्क करता है। और एज वेल एज हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि वीकली इसमें वीडियोज लाएंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छे लेवल को ब्रेक कर रहा है, कौन सा सपोर्ट पे है, कौन सा डिमांड जोन पे है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब सीरीज का। इस सीरीज में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बेसिक्स वर्क करते हैं एक स्टॉक मार्केट के अंदर, किस तरह से कैंडल वर्क करती है, किस तरह से मूविंग एवरेज वर्क करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करते हैं। तो जो भी सब कुछ जो भी इस वीडियो पे होगा वो सब के सब बेसिक से शुरू करेंगे हम। किसी कोई अगर न्यू कमर्स है उनके लिए भी सब कुछ ईजी रहेगा, कोई भी तरह का किसी तरह का एडवांस लेवल पर अपन नहीं चलेंगे। सारा बेसिक से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सारी चीजें वर्क करती है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज अपने इस फर्स्ट लेक्चर से। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे आज कि आज किस तरह से एक चार्ट कैसा दिखता है, एक उस चार्ट के अंदर क्या क्या चीजें देखने की होती है, बेसिक से आप क्या क्या चीजें आप देखोगे उसमें नोट डाउन करने की होती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से कैंडल के अंदर क्या हाई होता है, क्या लो होता है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है। तो बिना देरी किए आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो भी ये चार्ट वगैरह देखता हूँ वो सारे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर देखता हूँ। और अब आप इस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पर आएंगे और टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू टाइप करने के बाद यहाँ दिखाएगा ट्रेडिंग व्यू चार्ट। आप डायरेक्ट चार्ट पर जाएंगे और फर्स्ट जो लिंक है इसको आप ओपन कर देंगे तो आपका ये चार्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। तो अभी जो मेरे सामने ओपन हुआ ये निफ्टी का चार्ट है। और इस निफ्टी के चार्ट के अंदर अभी जैसे कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इंडिकेटर्स की फैसिलिटी होती है, तो अभी मेरे इंडिकेटर्स कई सारे लिखे हैं लगे हुए। तो मैं एक काम करता हूँ कि इन सारे जो इंडिकेटर्स हैं इनको सबको रिमूव कर देता हूँ और आपको बेसिक से बताता हूँ कि किस तरह से चीजें वर्क करती है। तो चलिए मैं आपको डाउ जोन्स के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। पहले बेसिक चार्ट है, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है किसी स्टॉक का, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक से अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं सारे जितने भी चार्ट हैं यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स है सारे रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए, तो ये है एक बेसिक सा चार्ट है। कोई भी स्टॉक है ये आप भूल जाइए कि ये क्या है, ये डाउ जोन्स का है या किस स्टॉक का, ये आप छोड़ दीजिए। आप तो बस ये फोकस कीजिए कि ये कोई सा भी किसी भी स्टॉक का चार्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये कैंडल्स किस तरह से वर्क करती है। ये जो आपको ये दिख रही है ये सारी कैंडल्स है, ये जो है ये एक सिंगल कैंडल है। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है ये एक सिंगल कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल हो सकती है या फिर रेड कैंडल हो सकती है। ठीक है, अब आप कैसे पता करेंगे कि एक ग्रीन कैंडल में क्या होता है, एक रेड कैंडल में क्या होता है? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको एक सिंगल कैंडल ड्रॉ करके बताता हूँ, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दोनों ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह से सारी चीजें वर्क करती हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, एक सेकेंड। तो देखिए, जैसा कि आपने इसमें ट्रेडिंग व्यू में देखा था कि इसमें जो कैंडल जो भी है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मैं यहाँ पे कैंडल यूज लेता हूँ ना, ये बेसिक कैंडल्स है। इसमें तीन चार तरह की कैंडल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बार्स भी होती है और इसके अंदर होलो कैंडल्स भी होती है। बट मोस्टली जो भी ट्रेडर्स है या जो भी इन्वेस्टर्स है जो टेक्निकल लर्न करते हैं वो मोस्टली कैंडलस्टिक पैटर्न को ही यूज करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जैसे आज हम इसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से कैंडल्स वर्क करेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीन कैंडल की बात करते हैं। सपोज कीजिए ये एक ग्रीन कैंडल है, वन होल्ड ऑन, सपोज कीजिए ये एक मेरे चार्ट पे एक ग्रीन कैंडल है और इस कैंडल के अंदर एक ये इस तरह से बनी हुई है ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है ना, ये है एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर क्या, अब कैसे पता चलेगा कि ये क्या, इस कैंडल को देख के आपको क्या पता चलेगा?
तो ऐसा तो आप जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं उनको तो कुछ पता भी नहीं लगेगा ये कैंडल कैसे वर्क कर रही है, क्या है, किस तरह से मूवमेंट आ रहा है, जो भी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है जिसका जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है ये कहलाता है ओपनिंग प्राइस, कि ये कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जो भी है वो कितने रुपए पे वो ओपन हुआ है, स्टॉक मार्केट जब ओपन हुआ है तो उसकी ओपनिंग प्राइस क्या रही है, ठीक है। और जो ये इस बॉडी का जो हायर पार्ट है वो ये बताएगा कि ये जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे तो उस समय इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या रही है, तो ये डिनोट करेगा कि इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या रही है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इस बॉडी, ये पूरी जो कंप्लीट बॉडी है उसके ऊपर ये टेल बन रही है, जो सबसे ऊपर वाली जो विक बन रही है ये आपको बताएगी उस दिन जिस दिन भी उस मार्केट ने ट्रेड किया, क्योंकि हम डेली चार्ट को देख रहे थे। तो डेली चार्ट में सपोज कीजिए, डेली चार्ट है 50 मिनट पे भी हो सकता है, एक कैंडल के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये जो सबसे ऊपर वाली जो विक है वो ये बताएगी कि उस कैंडल का ये हाई क्या था उस दिन का, या उस जो भी आपने टाइम फ्रेम लिया उस फिक्स टाइम फ्रेम में उस टाइम का हाई क्या था और उसका लो क्या रहा है, ठीक है। तो ये एक चार चीजें होती है कैंडल के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, उन दोनों के अंदर हमेशा चार चीजें होगी, एक होगा आपका हाई, एक होगा लो, एक ओपन और एक क्लोज। तो जो भी ग्रीन कैंडल होगी उसके अंदर, या ग्रीन होगी या रेड होगी, दोनों में लो और हाई जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा, लो सबसे नीचे बनेगा और जो हाई है, हाई हमेशा सबसे ऊपर वाली जो विक होगी वो आपकी हाई, उस डे का हाई कहलाएगा, ठीक है, डे या जो भी टाइम फ्रेम आपने चूज किया, ठीक है। बट जो ये ओपन और क्लोजिंग जो आपने देखा है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग रेड और ग्रीन के अंदर चेंज हो जाएगी। जैसे कि ग्रीन कैंडल जो होगी आप खुद देखिए, जब भी मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर कुछ बायर्स ऐड होता जा रहे हैं। बायर्स ऐड होंगे तो मार्केट कहाँ मूव करेगा, अपसाइड में मूव करेगा। अगर जब वो मार्केट अपसाइड में मूव करेगा तो उसके अंदर जो मोमेंटम आएगा वो अपसाइड की तरफ आएगा, और जब अपसाइड की तरफ जाएगा तो उसकी क्लोजिंग किस तरफ होगी, उसकी क्लोजिंग अगर वो पूरी कैंडल मान लिए 3:30 बजे तक वो अप होता ही गया तो उसकी क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए, वो अपसाइड में होनी चाहिए। तो यहाँ क्लोज होगा तो यहाँ कहीं क्लोज होगा, तो इसका मतलब जब भी कोई ग्रीन कैंडल होगी तो उसके अंदर बायर्स एक्टिव रहेंगे और उसमें जो ओपनिंग प्राइस रहेगी वो यहाँ, ये जो बॉडी का जो निचला पार्ट है ये आपका ओपनिंग प्राइस कहलाएगी, और जो बॉडी जहाँ पे एंड हो रही है ये इसकी क्लोजिंग कहलाएगी। और जहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं, इस पूरे डे की अपन बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी डे पे ये होगा कि इस हाई को छू कर आएगा, तो ये इसका हो जाएगा हाई पॉइंट, जहां तक इस कैंडल ने उस स्टॉक में स्पेसिफिक इंडेक्स में परफॉर्म किया है। और जो ये सबसे नीचे वाली जो टेल है ये कहलाएगी लोअर पार्ट, ये जो लोअर प्राइस है जहाँ पे मार्केट टच कर कर आया है, ठीक है। तो ये तो था एक ग्रीन कैंडल के अंदर क्या क्या चीजें होती है जो अपन ने डिस्कस की, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि रेड कैंडल के अंदर किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। मैं आपको ये एग्जांपल के साथ चार्ट पर भी बताऊंगा कि किस तरह से चीजें वर्क करेगी, पर अब अपन देख लेते हैं कि रेड कैंडल किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए देखते हैं रेड कैंडल किस तरह से वर्क करती है। तो मैं यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये मेरी एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये चार्ट पे रेड कैंडल है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तो पहले आपने अपन ने ग्रीन कैंडल को डिस्कस कर लिया, अब अपन डिस्कस करेंगे रेड कैंडल किस तरह से वर्क करती है। तो जब भी एक रेड कैंडल आप देखोगे तो रेड कैंडल के अंदर जो भी ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया कि दोनों कोई भी कैंडल हो उसमें ये हाई उस डे के हाई को रिप्रेजेंट करेगा, कि उस स्टॉक ने उस डे पे क्या हाई लगाया है, और वो जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा वो बताएगा कि उस दिन का, उस स्टॉक का या उस इंडेक्स का क्या लो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल जैसा कि आपने ग्रीन कैंडल के अंदर देखा था, ग्रीन कैंडल के अंदर ओपनिंग यहाँ हो रही थी और क्लोजिंग यहाँ हो रही थी, क्योंकि यहाँ बायर्स एक्टिव थे तो मार्केट किस तरफ मूव कर रहा था, अपसाइड में मूव कर रहा था, और एक ग्रीन सा सिग्नल आ रहा था। ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि मार्केट में पॉजिटिव है, मार्केट में बायर्स एक्टिव है, ठीक है। अब जब रेड कैंडल होगी तो इसमें कौन एक्टिव होंगे, सेलर।
तो जब भी ग्रीन कैंडल होगी, जब भी रेड कैंडल होगी, तो मार्केट जो होगा डाउन साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, ये जो जब अगर मार्केट डाउन साइड में जाएगा तब रेड कैंडल बनेगी, तो ये जो इसमें अपर साइड जो होगी, अपर बॉडी जो होगी वो कहलाएगी ओपन प्राइस, जहां से मार्केट ओपन हुआ है ये ओपनिंग प्राइस होगी, और जहां पे ये मार्केट क्लोज हुआ है इसको हम कहेंगे क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। जब मार्केट में इवनिंग में 3:30 बजे क्लोज हुआ है तब ये इसकी क्लोजिंग प्राइस रहेगी, ठीक है। तो इस दिन क्या रहा है, इस दिन पूरी तरह से सेलर्स एक्टिव रहे हैं, ये अपन कहेंगे इस दिन, ठीक है। तो यहां से ओपन हुआ, मान लीजिए 100 रुपए की प्राइस थी, 100 रुपए पे ओपन हुआ और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव रहे हैं, और जब डाउन साइड में गया है तो मार्केट 100 से नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, 100 से नीचे ट्रेड करके सपोज कीजिए कि 90 रुपए के आसपास आके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। और ये ओपन जो हुआ था मॉर्निंग में 9:15 बजे, जहां यहाँ इसकी ओपनिंग हुई थी वो 100 रुपए पे हुई थी, और 3:30 बजे इसकी क्लोजिंग जो हुई है 90 रुपए पे हुई है, और उसी दिन पे इसने कोई हाई जो लगाया है वो सपोज कीजिए कि इसने जो हाई लगाया है वो 103 रुपए का हाई लगाया है, ठीक है। और जो इसने जो लो मार्क किया है उस दिन का, वो मार्क किया है लगभग सपोज कीजिए 85 रुपए का इसने लो मार्क किया है, ठीक है। तो इस तरह से एक कैंडल के अंदर चीजें वर्क करती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप ग्रीन कैंडल के अंदर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल के अंदर क्या होगा, कि ग्रीन कैंडल के अंदर सपोज कि ओपनिंग हुई है 100 रुपए पे, और उसके बाद में ये हाई लगाया, मतलब अपसाइड के अंदर जाएगा, अपसाइड के अंदर जाएगा तो इसने हाई लगाया सपोज कीजिए 110 रुपए का हाई लगाया, और उसके बाद में उसी दिन का उसने, सॉरी, 100 रुपए की इसकी ओपनिंग हुई और 110 रुपए की उसकी क्लोजिंग रही है, ठीक है। और जो इसने हाई लगाया उस दिन का, जो हाई लगाया वो शो करेगा ये वाली विक, तो हाई सपोज कीजिए इसने लगाया 112 रुपए का हाई लगाया है, और जो इसने लो लगाया है उस दिन का वो लगाया है सपोज कीजिए 97 रुपए का उसने उस दिन लो लगाया है, ठीक है। तो आज अपन ने ये देखा कि किस तरह से ग्रीन कैंडल और वर्क ग्रीन और रेड कैंडल वर्क करती है, उसमें क्या क्या पार्ट होता है। तो मोस्टली जो भी ग्रीन या रेड कैंडल जो भी हो उसके अंदर 4 ही पॉइंट होते हैं, एक होता है उसका ओपनिंग, एक होता है उसका क्लोजिंग, एक होता है उसका लो और एक होता है उसका हाई, ठीक है। तो रेड कैंडल जो भी होगी उसके अंदर ओपनिंग होगी नीचे की तरफ से, और जो जो ग्रीन कैंडल होगी, सॉरी, जितनी भी ग्रीन कैंडल होगी उसमें जो भी ओपनिंग होगी वो होगी नीचे की तरफ से और क्लोजिंग होगी अप साइड में, और रेड कैंडल जो भी होगी उसमें ओपनिंग होगी अप से और क्लोजिंग होगी डाउन साइड में, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस ये शो करेगी कि मार्केट 9:15 बजे वो कैंडल कहाँ से ओपन हुई है, अगर ओपन होते ही मार्केट अप साइड की तरफ जाने लग जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। और ओपन होने के बाद डाउन साइड में जाएगा तो वहां पे एक रेड कैंडल शो होगी, और उस कैंडल के अंदर, जैसे एक ग्रीन कैंडल है तो उसमें जो भी हाई पॉइंट होगा वो बताएगा उस डे का हाई क्या है, और लो बताएगा कि उस स्टॉक का या स्पेसिफिक इंडेक्स का लो पॉइंट क्या है, ठीक है। और इसी तरह से एक रेड कैंडल में भी हाई और लो सिमिलर रहेंगे कि उस डे का हाई क्या रहेगा और लो क्या रहेगा, बस इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज हो जाएगी। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग होगी नीचे से और रेड कैंडल में ओपनिंग होगी ऊपर से, ठीक है। तो चलिए मैं ये सारी चीजें जो है आपको चार्ट पर लेकर समझाता हूँ किस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। तो जैसे कि ये है, हमने पास डाउ जोन्स का चार्ट है, डाउ जोन्स मतलब यूएस इंडेक्स जो है उसका चार्ट है ये। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखिए, सपोज कीजिए ये कोई भी एक कैंडल है, सपोज कीजिए ये कोई कैंडल है। अब देखिए ये कैंडल जो है ना, ये मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वीकली है, मंथली है, 3 मंथ्स का चार्ट है, कोई भी, मैंने इसको डेली पे सेट कर रखा है। तो मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ, इस दिन पे आप आएंगे, सपोज कि इस दिन का मैं शो कर रहा हूँ, तो इस दिन में अगर आप देखेंगे, इस दिन की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल पूरी ड्रॉ हो रही है, ये है 2 नवंबर की, है 2 नवंबर 2023 की कैंडल है ये। तो इसमें जो मैंने जैसे कि पहले बताया है, आई थिंक इसमें आपको क्लियरली विक समझ नहीं आएगी इससे पे, मैं आपको दूसरी कोई कैंडल पे बताता हूँ, एक सेकेंड होल्ड ऑन। चलिए इस पे बताते हैं, इस कैंडल पे मैं आपको बताता हूँ, इस पे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जो कैंडल बनी है ये 6 अक्टूबर की बनी, 6 अक्टूबर 2023 की एक कैंडल है। अब ये भूल जाइए किसकी है, कौन से स्टॉक की, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे मार्केट जो है ओपन हुआ था उस दिन 30, और इसकी प्राइस क्या दिख रही है आपको, इसकी प्राइस देखेंगे यहाँ कहाँ पे, या ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ब्लैक ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको प्राइस दिख जाएगी। इसमें आपकी प्राइस क्या होगी, ओपनिंग प्राइस 33,035, ठीक है। और इसी दिन ये अपसाइड में गया और उसके बाद क्लोज कहाँ पे हुआ है, 33,408 या 410 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई, ठीक है। और उसी दिन इसने जो हाई बनाया है, ये पूरी विक बनी है, मैंने क्या बताया था कि ग्रीन कैंडल में
हाई ये होगा, लो ये होगा, ओपनिंग यहाँ होगी और क्लोजिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये जो इस दिन हाई बनाया है, हाई लगाया है लगभग 33,550, 555, 550 के आसपास लगाया है, ठीक है। और जो इसका लो बना है वो लगा है 32,856 के आसपास लो लगा। तो ये इस तरह से एक कैंडल के अंदर चीजें वर्क करती है। ये इसकी ओपनिंग प्राइस होगी, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी, ये इसकी हाई होगा और ये इसका लो होगा, ठीक है। तो ये है ग्रीन कैंडल के अंदर। यही चीज अपन डिस्कस करते हैं एक रेड कैंडल के अंदर कैसे वर्क करती है। तो उसके लिए अपन चलते हैं इस वाली कैंडल के अंदर, देखते हैं, सपोज कीजिए ये वाली कैंडल देखते हैं, इस कैंडल को देखते हैं। तो इस कैंडल के अंदर जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इसका होगा, ये क्या होगा, इसका ओपनिंग प्राइस होगी। क्योंकि मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं तभी रेड कैंडल बनती है। तो सेलर्स मतलब नीचे की तरफ जाएगा मार्केट, तो ओपन से ये क्लोजिंग कहाँ है ये इसकी, ये क्लोजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हाई पॉइंट हो जाएगा जिस दिन मार्केट ने हाई लगाया है, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा लो, जहां पे मार्केट उस दिन सबसे लो पॉइंट जो बनाया है, ठीक है। तो इसमें देखिए अपने जो लो पॉइंट बनाया है वो 32,960 के अराउंड बनाया है, 32,960 प्राइस रही है, और जो हाई लगाया है वो लगाया है 33,280 के आसपास। इसका जो क्लोजिंग प्राइस रही है उस दिन 33,200 की रही है, और जो ओपनिंग प्राइस रही है वो लगी है 33,035 रुपए के आसपास रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एक कैंडल के अंदर चीजें वर्क करती है। तो ये आज का ये बेसिक वीडियो था जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि किस तरह से एक स्टॉक मार्केट के अंदर एक चार्ट में किस तरह से ग्रीन और रेड कैंडल वर्क करती है। तो मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है। तो आज अपन ने देखा है सबसे पहले कि किस तरह से अपन सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू कैसे ओपन करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप गूगल के ऊपर जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे, ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे आएंगे, और ट्रेडिंग व्यू चार्ट लिखने के बाद में और ये फर्स्ट लिंक को आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका एक चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर कौन कौन सी कैंडल्स होती है। एक रेड कैंडल होती है और एक ग्रीन कैंडल होती है। अगर ग्रीन कैंडल होती है तो उसका मतलब है बायर्स एक्टिव है, और रेड कैंडल है तो उसमें सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। जब भी एक ग्रीन कैंडल होगी तो उसके अंदर ग्रीन या रेड कैंडल कोई सी भी होगी, उसके अंदर चार चीजें नोट डाउन करने की है। पहला होता है उसका ओपनिंग क्या है, उसकी क्लोजिंग क्या है, उसका लो क्या है, उसका हाई क्या है। और ऐसा ही एक रेड कैंडल के अंदर होगा, उसमें भी एक ओपनिंग, क्लोजिंग, लो और हाई पॉइंट होगा, ठीक है। तो उस ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर अपने क्या क्या देखा था, तो सबसे पहले अपने देखा था ग्रीन कैंडल के लिए। तो एक ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह से नजर आती है। तो उस ग्रीन कैंडल के अंदर जो ये पॉइंट होगा ये इसकी ओपनिंग प्राइस होगी, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी, ये उस दिन का हाई होगा और ये उस दिन का लो होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए जैसा मैंने इसमें बताया था कि ये एग्जाम्पल से बताया था कि उस दिन इसकी जो ओपनिंग प्राइस हुई उस स्पेसिफिक स्टॉक की है, इंडेक्स की 100 रुपए पे ओपन होता है, बायर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट अपसाइड में जाता है और 110 रुपए पे क्लोज होता है। और उस दिन कहीं पे इसका जो हाई बनता है वो 112 रुपए का बनता है, उसका जो लो बनता है वो 97 रुपीज पे बनता है, ठीक है। वैसे ही एक रेड कैंडल होगी, इसमें चीजें थोड़ी सी बदल जाएगी, हाई और लो वही रहेंगे देखिए, बट जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ, सपोज कीजिए आप ये मत सोचिए कि कहाँ ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइस देख लीजिए, केवल ओपन हुआ, कोई भी कैंडल नहीं ड्रॉ हुई, ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जैसे ही नीचे जाएगा तो रेड कैंडल बनेगी, जैसे ही ऊपर की तरफ मार्केट चला जाएगा तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ गया और यहाँ पे ये क्लोजिंग दी है इसने, यहाँ पे कहीं, तो ये इसकी ओपनिंग प्राइस हो गई, ये क्लोजिंग प्राइस हो गई, ये उस दिन का लो और ये उस दिन का हाई हो गया एक रेड कैंडल के अंदर। तो इसकी ओपनिंग प्राइस जैसे कि आपने देखा कि 100 रुपए थी, उसके बाद मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए और इसने जो लो लगाया उस डे का वो लगाया 85 रुपीज का, और जो इसने हाई लगाया है वो लगाया है 103 रुपीज का। और इस मार्केट जो क्लोज हुआ है 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ है इंडियन मार्केट, वो हुआ 90 रुपये क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज अपन ने डिस्कस करी कि क्या क्या चीजें एक कैंडल के अंदर देखने की होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे और भी चीजें देखेंगे कि एक कैंडल के अंदर और क्या क्या चीजें होती है, और किस तरह से एक मूविंग एवरेजेस वर्क करते हैं, किस तरह से इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, और किस तरह से आप ब्रेकआउट ट्रेड देखेंगे। ये सारी चीजें वैसे आप धीरे धीरे सीखेंगे, आप जब बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे तब मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आगे भी मैं वीकली या कोशिश करूंगा जब भी होगा मैं आपको ये वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। तो जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है, ओके, गुड बाय।